वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल माय धनबाद रेलवे स्टेशन पर हमारे पास बोल बम हम लोग पहुंच चुके हैं भागलपुर। अभी निकल रहे हैं बाहर स्टेशन की और यहाँ कुछ ही देर में हम लोग सुल्तानगंज के लिए गाड़ी पकड़ेंगे। ये रहे हमारे बोल बम की टीम। भागलपुर में ये रहे हमारे मामा का बेटा जी, यही भागलपुर में पढ़ाई करता है रूम लेकर। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अभी सुल्तानगंज। यहाँ कुछ ही देरों में जल उठाकर निकलेंगे हम लोग बाबा नगर देवघर के लिए बोलबम। यह गंगा नदी जो भागलपुर के सुल्तानगंज में स्थित है, यहीं से जल उठाकर बाबा नगर देवघर के लिए निकलते हैं। ले चलो ना उठा लिया। अब यहाँ से निकल गए बाबा नगर के लिए बोल कमरिया। घोड़ा ना कोनो सवारी हाथी ना घोड़ा ना बाबा नगर देवघर की दूरी 115 किलोमीटर है। देखिए बाबा का दरबार तो कितने दिन में जल चला। सुबह निकले थे तारापुर से ही पहुँच चुके कुमासार नदी पास है। यहाँ रिवर साइड बहुत सारा ही मस्ती करने वाले हैं। अभी कुमार साहब नदी पार कर रहे हैं। क्या अंकित बम बोल बम बोलो बम बोल बम। कुमार साहब नदी में काफी ही पानी है, ज्यादा देख सकते हैं सब बम लोग पार हो रहे। कितने सारे पानी है बोल बम बोलो बम बोल बम। शिव जी के सेना चलल हे भैया। पार करके फाइनली पहुंच गए सुइया पहाड़ के सामने। रुके हुए हैं यहाँ पर, रात काफी हो गया है। टाइम देखते हैं तो हम लोग 12 बजे भोजन कर रहे हैं। अंकित बम और दीपक बम भोजन कर रहे हैं। उसके बाद हम विश्राम करेंगे। विश्राम करने के बाद फिर सुबह निकलेंगे अपने मंजिल की ओर। हम लोगों का बम पंचर हो गया तो बम को माला पट्टी कराने के लिए यहाँ रुके हुए हैं सुइया पहाड़ के पास। हम लोग सुइया पहाड़ चढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है सुइया पहाड़ की चढ़ाई। सुइया पहाड़ में हम लोग अभी है। सुइया पहाड़ 4 घंटे हम पार करके लिए हैं। पहाड़ पार करके तो पहुंच गए झांझा कैंप। ये छोटा बम बोल बम बम बोल बम। देखिए छोटू बम कितने बड़े बच्चे बोल बम जा रही है पैदल घूमते हुए।
सुइया पहाड़ में बम लोग ये पत्थर के अपने मन्नत मांगते हैं, इसको ऐसे करने से मन्नत पूरा होता है। बम लोग अपने विश मांग रहे हैं पत्थर को बनाकर। लोटनिया में भी है बोलबम छाया, मेरी दीदी का बेटा है बेटी। जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास, तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक। चढ़ी गई सावन लागे सुहावन, भक्ति के हवा बहल, शिव जी के सेना चलल हे भैया, शिव जी के सेना चलल। बोलबम का रास्ता माया तो गोड़ियारी नदी, जरूर स्नान करो। यहाँ स्नान करने से बदन का सारा दर्द दूर हो जाता है। दूध बदन का दर्द दूर करने के लिए बम लोग सब नहा रहे गोड़ियारी नदी में। नदी में दुकान लगाए हुए किस तरह, यहाँ आए थे छोला भटूरा खाना ने बोला, यहाँ बहुत फेमस ही है। गोड़ियारी में सब जितना भी दुकान है सब पानी के बीच में लगाया जाता है, और यहाँ पे सब बम लोग। एक बार और कर रहे, एक बार और कर। ले ले ये रहा झारखंड बिहार का बॉर्डर, यहाँ से बिहार का सफर समाप्त हो गया। इधर रहे झारखंड का बॉर्डर, यहाँ से हम झारखंड राजवीन कर गए हैं। ये जो प्रतिमा देख रहे हैं दुर्गा माँ का प्रतिमा, ये झारखंड के बाद जस्ट गेट के सामने है। अगर यहाँ जो दुर्गा माँ का प्रतिमा देखना, धुमा बॉर्डर इन कर गई है। धुमा बॉर्डर पार करने के बाद ये कूपन मिलता है टिकट, इससे पता चलता है कि कितना बम बाबा भोलेनाथ का जल चढ़ाए हैं। बोल बम, बोल बम, बोलो बम, बोल बम, बोलो बम, चचा बम, बोल बम, बोलो बम, बोल बम, पहुंच गए हम, बोल बम, बोल बम। Thank you.
शौचालय देख रहे हैं, झारखंड सरकार द्वारा 2022 में उद्घाटन किया गया हुआ है। हम लोग बाबा नगरी देवघर इन कर गए, अब यहाँ से जाकर रात को विश्राम करेंगे, फिर सुबह उठकर जाकर लाइन में लगेंगे बाबा को जल चढ़ाने के लिए। बलवान बाबा तू मेरा भगवान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। गंगा जो देवघर में स्थित है, शंकर भगवान और मैया पार्वती को जल चढ़ाने से पहले यहाँ स्नान करते, तब जाके हम लोग जल चढ़ाते हैं। बाबा पर जल चढ़ाते हैं, उसी तरह बाबा बासुकीनाथ में यहाँ पर स्नान करने वाले बाबा बासुकीनाथ जी को जल चढ़ाया जाता है। मैं स्नान कर
पहले जा रहे बाबा दर्शन करवा लिए, अब जा रहे बाबा का दर्शन करने काशीनाथ का शिव गंगा। जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास, तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान, तेरे चरणों में जब प्रसादी का मार्केटिंग कर के आ रहे वो सुखाड़ी में पेड़ा भंडार जो गुरुवारा में स्थित है। बस लिए समर्पण तन मन से मैं देव भूमि में आता हूँ, है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा मैं तू। हर हर शिव शंकर नील कंठ गंगाधर आए शरणम ते। देव घर के पेड़ा बड़ा नामी हो सैया किन के ले आईहा। बाबा जी से वापस आ गए हम अपना धनबाद रेलवे स्टेशन पर, अब यहाँ से निकाले घर। यहाँ दीपिका बंग जो भोली में सी ब्लॉक में रहता है, अंकित हमारे साथ पासा टाउन में रहता है। बाबा धाम से चल चला के फाइनली तीन दिन में घर वापस आ चुके हैं और अभी अपना मैं घर पे हूँ। और मैं YouTube पे फर्स्ट ब्लॉग है और मैं चैनल पर नया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अब बेल आइकन प्रेस जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।